तो तुलसीदास लाश पे बैठ के नदी क्रॉस करते, आजकल बेचारे फिर चर्चा में है। उनको फिर ऊपर हचकी आ रही, यार देखो फिर यार परेशान किए हैं। तुलसीदास ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने लिख दिया। ताड़ना शब्द जो संस्कृत में है उसका मतलब है मारना, लेकिन रामचरितमानस अवधि में लिखी हुई है, संस्कृत में नहीं लिखी है। रामचरितमानस जो लिखी गई है वो संस्कृत में नहीं है, अवधि में है। और अवधि में ताड़ना का मतलब होता है देखना, कहते नहीं वह ताड़त है। लेकिन देखो कैसे अर्थ को घुमा दिए रहे सब। वजह वजह क्या है? 24 का इलेक्शन, 18 मार्च को बीजेपी अयोध्या महोत्सव मनाने जा रही है, और जनवरी 2024 में पूरे भारत को राममय कह देगी बीजेपी, हर घर में भगवा। देखा हमने कहा था राम मंदिर बनाया, अब इससे नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को। बीजेपी को तो फायदा हो रहा है, 400 सीट। इन दोनों को बेचारों को नुकसान हो रहा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हम बौद्ध हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं, हम राम को मानते ही नहीं, हम बुद्ध को मानते हैं। लेकिन इनके पास कौन है? ओबीसी, यादव, गुज्जर, जाट, वो सब कृष्ण को बहुत मानते हैं। राम को तो चलो छोड़ दे, कृष्ण को कहां से छोड़े। अब यहां दिक्कत खड़ी हो गई, ये बौद्ध हो नहीं सकते। ये बौद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध होने का मतलब ये कृष्ण को भी छोड़ेंगे, और कृष्ण इनके महानायक है। अभी बेचारे बहुत टेंशन है कि यार ये तो गड़बड़ है यार। तो इन्होंने कहा कि देखो रामचरितमानस में शूद्र कह दिया हमको, ये दोनों राम से टूटेंगे तभी इनको नुकसान होगा। देखो राजनीति, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। पर ये बात तुम बाहर जाके मत कहना, समझ लो, अपना काम करो, पढ़ो चुपचाप मस्ती से बैठ के, कुछ मत करो। देखो ताड़ना शब्द का कितना कैसे कैसे दोनों पार्टी डिफाइन कर रही। एक पार्टी कह रही कि ताड़ना मतलब पीटो, और ढोल को पीटोगे तो बजेगा? ढोल बजाना पड़ता है, उसकी कला है। तुमको ढोल दे दे पीटो, देखो बजेगा? लेकिन वो जो 70% जनता कह रही, हाँ यार सही तो कह रहा पीटो। और तुम अगर इसमें कूदे तो गए, क्योंकि तो दोनों तरफ आईटी सेल बैठा हुआ है, पैसा मिलना है इनको। बोलो, एक वीडियो आया मुझे बड़ी हंसी आई, एक मैडम एक बिल्ली लेके रामचरितमानस को पढ़ा रही थी कि पढ़ ले देख, रामचरितमानस में लिखा है कि जानवर को भी पढ़ना चाहिए, ताड़ना मतलब शिक्षा, ले पढ़ ले। अब ऐसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, तो शेरनी से दूध निकालने जाओगे? इन सब कहने के अर्थ हैं, इनके पीछे एक अर्थ है, उस अर्थ को समझना है। बाल्टी लेके जंगल में नहीं पहुंच जाओगे। पर ये सिर्फ तुम्हें समझना है। क्या मतलब है? देखो बाहर कितनी हाहाकार मचा हुआ है, 24 इलेक्शन तक है। देखो कैसे बाहर हाहाकार मचा, लग रहा कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान हिंदू सब मर के खत्म हो जाएंगे। सब दलितों को बचा रहे हैं। देखो वो इलाहाबाद में जो मारे गए उनको बचाने कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जाके धरना दे रहा है।
कि हमारा भाई था दलित था हम लड़ेंगे, वहां भी जाओ क्योंकि वहां पोलराइजेशन नहीं हो सकता और उसमें गैंगस्टर इन्वॉल्व है, जो जाएगा उसका भी जाएगा। सब 24 का इलेक्शन, ऐसे 1924 का जब इलेक्शन था, 1924 का, उस समय का भारत पढ़ो तुम, शुद्धि आंदोलन अभी मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, आर्य समाज, इनको 24 में याद आया शुद्धि आंदोलन, इलेक्शन शुद्ध कर रहे हैं किसको, कहे जो अशुद्ध हो चुके हैं। बोले कौन अशुद्ध हो गया भैया, 1924 शुद्धि आंदोलन, 1924 इलेक्शन। जब जब इलेक्शन आएगा तो ये दो दानों अपना सर उठाएंगे, एक संप्रदायवाद एक जातिवाद। यही तो आदत है हिंदुस्तानियों की, आपस में लड़ने की। ये आज की ना आदत नहीं है, ये बहुत पुरानी आदत है। और जब ये आपस में लड़ते हैं इनको बाहर ही आके पीटता है, फिर लूटता भी है, तब ये बाद में चिल्लाते हैं भैया हमको, भैया महमूद गजनी ने मारा भैया हमको। अभी देखो भारत की दशा, अभी प्रेजेंट स्थिति देख लो भारत की। और अब तुम सोचो कि महमूद गजनी ने इनको कैसे लूटा होगा इसी परिस्थिति में, यही सिचुएशन होती है। यही सबको अपना फायदा चाहिए, सत्तर % जनता इनोसेंट है। इसलिए दुनिया में जो समझदार कौम है वो सिर्फ 2% है। पूरे जिंदगी की चुनौती क्या है, 98% के साथ रहना। गुटखा वाली गैंग, ये गुटखा वाली गैंग गुटखा खा के सड़क पे बैठ के इथिक्स की बात करती है, इसको चिंता है किसका अफेयर किससे चल रहा है, क्योंकि इसका तो चल ही नहीं रहा है कि मरा हुआ है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम सपना देखते हैं 2% का और रहते किसके बीच में है, 98%। इलेक्शन में जातिवाद और पापा एडमिट है हॉस्पिटल में और प्लाज्मा चाहिए और कोई दलित आके दे दिया, तब नहीं मना करोगे कि तुम दलित हो हम नहीं लेंगे, तुम शूद्र हो हम नहीं लेंगे, तब भी मना करो कि हम नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम दलित का खून नहीं लेंगे, तब तो ले लोगे। किडनी चाहिए तो मुसलमान की भी ले लोगे। से मेरी आदत है किसी खून उनकी जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूं हाँ दिलवा देंगे। तो अगर मान लो हिंदू है और उच्च जाति का, तो मैं मुसलमान लड़कों को ही ले जाता हूं, फिर बताता हूं कि तो कोई मुल्ला है। अरे यार बदतमीजी कर रहे हो, जान जा रही तुम मुल्ला बता रहे हो। मैंने कहा यार बता दे, नहीं तो तुम बाद में कहोगे, तुम कहते हो ना मुसलमान छूने लायक नहीं है। तब मैंने किसी को नहीं देखा विभेद करते हुए, इतने फ्रॉड लोग हैं इस कंट्री में। मैं तो असली जातिवादी उसको मानू जो अपने जात का डॉक्टर ढूंढे कि अब इलाज सिर्फ अपने जात के डॉक्टर से कराएंगे, जो अपने जात का टीचर ढूंढे। लेकिन इमोशनल जनता है ये, भड़का दिया चाबी अभी लगा के। सो सर नाच रहे ढोल ओल लगे, वो पता ही नहीं क्या हो रहा है। यही सब तो नियम है। और सौभाग्य से ये नियम सिर्फ 2% लोगों को समझ में आता, और कयामत तक 2% को ही आएगा।
तुम जाके समझा के देखो बाहर लोगों को, कितना मारेंगे तुमको, तुम्हारा नाम ही तुम भूल जाओगे। जाओ बताओ भाईचारा, अरब कंट्रियां हैं, कहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिटीजनशिप देती हैं? दे दे ब्रदरहुड में, यही चिल्लाते रहते हैं भारत वाले, इस्लामिक भाईचारा, इस्लामिक भाई। हट, कहां से आए जी बाबूजी, कहां से आए? बलिया से आए बोले, पीछे खड़े जी बाबू। सब इनको कुछ मानते ही नहीं, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये खुद ही कूदते रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं। जिसको ये सब खेल समझ में आने लगा, और मस्त पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, ध्यान करेगा, और मेहनत जब मजा बन जाए तो मेहनत रहती ही नहीं। जो भी चीज मजा बन जाएगी वो मेहनत रहती ही नहीं।